हाल ही में जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में शौर्य सैनी और मंगलोर के अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। बता दें कि जब दोनों आज अपने घर पहुंचे तो उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर लोगों ने दोनों खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल की इस खास उपलब्धि के बाद परिवार और पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। मैंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। नाम शौर्य सैनी है, मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ और मेरे कोच जो है अंजलि भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर थ्री पोजिशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और मेरे को जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापस, तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि अच्छा लग रहा है कि देखो, जब एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे के नाम से जाना जाता है, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई, हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी, या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दें, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट, अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। तो डेट में, आज की डेट में गवर्नमेंट इतना कर रही है, मोदी गवर्नमेंट हमारी इतना कर रही है कि मैं नहीं मानता कोई रिस्क वाली बात है। स्पोर्ट्स में पूरी तरह से बंदा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्तराखंड का, मेरे जिला हरिद्वार का बहुत महत्वपूर्ण गौरव का अवसर है कि मेरे ये दोनों बच्चे विश्व में मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने परिश्रम से आज ही नहीं, ये भविष्य में भी देश का, प्रदेश का और अपने जिला हरिद्वार का, अपने निवास स्थान रुड़की का बहुत महत्वपूर्ण अक्षरों में, मैं कहूँ तो स्वर्णिम अक्षरों में ये अपने अंकित होंगे और देश अंकित होंगे। अच्छा, आपको लगता है इस समय ऐसा नहीं है, मैं पिछले समय की बातें नहीं करूंगी, पर वर्तमान में खेल के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए ओलंपिक में और वर्तमान में ये मेरे दोनों बच्चे अगर स्थान लाए हैं तो महत्वपूर्ण योगदान सरकार का। मैडम, मैं हो रहे हैं, लेकिन आपको हमारा इंटरनेशनल एक बालिका जब ने जब जीता, तो आपको रोशनाबाद का वो स्टेडियम याद होगा जो कटारिया की स्मृति में ही बना है। आज जब मेरे होनहार युवा आगे बढ़ रहे हैं खेल की तरफ, तो अनेकों अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, अनेकों एकेडमी बनाई जा रही है, प्राइवेट भी और सरकार के द्वारा भी। जहां हम खड़े हैं यहां भी बहुत थोड़ी ही दूरी पर लिबर हेडी में एकेडमी है, और इससे आगे भी एक एकेडमी है, और रुड़की में भी एकेडमी है, और मतलबपुर में भी एकेडमी।